नहीं नहीं इसकी तस्वीर बनाना बेकार है, इसकी तस्वीर इसलिए बनाना बेकार है ना कि आप देख रहे हो ना, अब ये कोई ऐसा वो नहीं है, तो हम ऐसे रखते हुए करते हैं। ये वही है ना जो आपका फार्म हाउस है, हमने पहले भी शेयर किया था। हाँ, हम इसको दोबारा शेयर कर देते हैं कि हम इस वक्त बारिश के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर सिर्फ ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, हालांकि शेड अलग है, शेड से बाहर बैठे हुए हम लोग, तो चारों तरफ हमारे मतलब बेहतरीन बारिश हो रही है। ये शेड के नीचे से देख लें कि जो पानी आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अली मोहम्मद साहब भी हमारे पास ही हैं अभी तक, बल्कि वो क्या हमारे पास हैं, हम उनके पास हैं समझ लें। तो इसलिए अब हम इसको ये देख लीजिए, इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, लेकिन असल में ये वो पेड़ है कि जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं, और इस पेड़ का यही फ़ायदा है कि इसके नीचे बारिश नहीं आती। अच्छा अली भाई, अब बोलें, अब ये जो बारिश हो गई है या हो रही है, तो ये मौसम कैसा दिख रहा है आपको, कि ये कब तक होगी, ये कहीं फिर कराची वालों के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? मुसीबत तो कराची वालों के लिए अल्लाह ताला ने रहम किया कराची वालों को, साल में तो कभी बारिश देख नहीं रहा, और कभी मतलब ये कि वो साल में एक आध दफ़ा हो जाती थी, एक दो दफ़ा हो जाती थी, और देखो मुसलसल जो है एक महीने से बारिश ही चल रही है, एक महीने से। अब वो कराची का वो मौसम नहीं रहा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक एपी के या जो कश्मीर कराची का मौसम बराबर ही हो रहा है, इस वक्त कराची केपी के कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सबका एक जैसा मौसम है, और ये पहली बार हुआ है शायद के सावन का महीना जो है वो कराची में ख़ास तौर पे इतना लंबा चला है, कि लोगों ने इस दफ़ा जो कराची वाले बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं, वो इस दफ़ा वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यार ये रुक जाए किसी तरह, तो इस दफ़ा ये बहुत अच्छे से बारिश ने जो है ना अपना काम दिखाया है।
अगर आप बाहर निकल रहे हो, अभी यहाँ बारिश हो गई। अच्छा, अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें आपकी सब्जियों को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, इसमें सब्जियों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब सब्जियां जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। ये आम, बहुत बारिश हो गई। ये हमने देखा, आपने आप अच्छी जगह पकड़ी है, आपकी जगह। और आप अगर आसमान को देखो तो इस वक्त आसमान एकदम काला हो गया है, तो इसका मतलब है कि बारिश देर तक रहेगी। और अगर ये बारिश रहेगी तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम आपके इस पूरे एरिया को कवर करें उसके लिए मुझे बारिश में जाना पड़ेगा, और इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और परिंदे, वो जो परिंदा है जिसका शिकार नहीं कर पा रहे हम, वो इस वक्त बहुत बाहर बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आखिर तक नज़र आ रहा है। हाँ, आखिर तक नज़र आएगा, और नहीं आएगा तो हम इसको दिखा देंगे आखिर तक। देख रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में हमें यही करना है कि अब आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं। इस वक्त आसमान पे बेतहाशा परिंदे उड़ रहे हैं। कमरा बंद कर देते हैं इस वक्त। बहुत जूते के लिए थोड़ी सी देर में कितना भीग गया हूँ मैं, ये तो कमाल हो गया। हाँ, गुड आइडिया। नहीं नहीं, ये बताओ ऐसे ही तो आएगी। नहीं, नजर आ रहे।